दोस्तों कहते हैं किसी चीज को पाने के लिए अगर सच्ची लगन से मेहनत की जाए तो हजारों परेशानियों के बावजूद सफलता जरूर मिलती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आए हैं आईएएस ऑफिसर हिमांशु नागपाल। हिमांशु के निजी जीवन में कई सारी कठिनाइयां आई, लेकिन उनकी मेहनत और सच्ची लगन ने उन्हें पहले ही प्रयास में आईएएस ऑफिसर बना दिया। हिमांशु नागपाल हरियाणा के गांव के रहने वाले हैं और उनकी इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई। वे पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं थे। जब वे पहली बार ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज गए तो उनके पिता भी वहां पर साथ गए थे। वहां टॉपर्स की लिस्ट देखकर उनके पिता ने कहा कि हिमांशु, मैं तुम्हारा नाम भी इस लिस्ट में देखना चाहता हूँ। जब उनके पिता वापस घर लौट रहे थे उस वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया और मौत हो गई। हिमांशु नागपाल ने यूपीएससी की परीक्षा पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर ली थी। उनका पूरा श्रेय वो उनके पिता को देते हैं। हिमांशु नागपाल की कहानी सभी छात्रों के लिए काफी प्रेरणादायक है। ग्रेजुएशन के दौरान उनके पिता का एक्सीडेंट हो गया और मौत हो गई। हालांकि उनके पिता के आखिरी शब्दों को हिमांशु ने काफी गंभीरता से लिया और काफी गंभीर होकर पढ़ाई भी की। यही कारण रहा कि उन्होंने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास कर आईएएस बनने का सपना पूरा किया। हिमांशु के पिता की मौत को कुछ ही महीना हुआ था कि उनके भाई की भी मौत हो गई। पिता और बड़े भाई की अचानक मौत से हिमांशु एकदम टूट गए। इसके बाद वो पढ़ाई से दूर होने लगी और घर में ही रहने लगी। उनके चाचा ने उन्हें संभाला और पढ़ाई के लिए भेजा। हिमांशु ने ठान लिया था कि वे हर हाल में यूपीएससी परीक्षा पास करके आईएएस ऑफिसर बनेंगे। उन्होंने दिन रात मेहनत की और पहले ही प्रयास में यूपीएससी में 26वीं रैंक हासिल कर अपना सपना पूरा कर लिया। हिमांशु कहते हैं कि आप शुरुआत की पढ़ाई में कैसे हैं, इससे आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यूपीएससी में जीरो से शुरू करना होता है और दिन रात मेहनत करके आप यहां सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हिमांशु का मानना है कि कुछ दिनों के लिए आपको अपनी सोशल लाइफ को ब्रेक देना होगा और सही दिशा में कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी जाकर आप सफल होंगे। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही से लाइक और शेयर भी जरूर करें।